जाड़ों में छुट्टी का दिन, छुट्टी के दिन निकली हुई भीनी भीनी सी धूप, और इस धूप में बैठकर मिल जाए ये पेपर जैसे पतले, पापड़ जैसे करारे, मसाला पराठे, मजा ही जो आ जाए छुट्टी का, मजा ही जो आ जाए, आनंद ही जो आ जाए जाड़े के मौसम का। दोस्तों ये है मसाला पराठा, किनारे तक पूरी तरह मसाला भरा हुआ एकदम पतला करारा कुरकुरा मसाला पराठा, जितना देखने में सुंदर उतना ही टेस्ट में बढ़िया। बनाने वाली बनाते बनाते थक जाए, खाने वाले खाते खाते ना रुकें। आइए देखते हैं इस मसाला पराठे की रेसिपी। इसके मेन इंग्रेडिएंट आलू, अभी हम बना रहे हैं आधा किलो आलू की रेसिपी। आधा किलो आलू, और इस आलू को आपने अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद आलू को छील लेना है पूरी तरह से, और इस छिले हुए आलू को कद्दूकस में बढ़िया से ग्रेट कर लेना है, कद्दूकस कर लेना है, मोटा मोटा आलू नहीं रहना चाहिए। आधा किलो आलू के साथ आपको चाहिए 2 प्याज मीडियम साइज की, और इस प्याज को भी आपने पतला पतला काट लेना है, बिल्कुल पतला काटना है। और आपको चाहिए 10, 12 या 14, 15 हरी मिर्च, देसी वाली हरी मिर्च, पतली वाली हरी मिर्च, और इन्हें भी बिल्कुल छोटा छोटा पतला पतला आपने काट लेना है। साथ में आपको चाहिए हरा धनिया, कम से कम 100 ग्राम हरा धनिया, और इस हरे धनिया को भी बहुत महीन आपने काट लेना है, पराठा में भरना है इसलिए सब कुछ पतला कटेगा। साथ में आपको चाहिए 2 चम्मच चाट का मसाला, कोई भी स्टैंडर्ड चाट मसाला, 1 चम्मच आपको चाहिए गरम मसाला, और आपको चाहिए 1 चम्मच नमक। और तलने के लिए, भूनने के लिए कोई भी कुकिंग ऑयल हम यूज करते हैं हमेशा पीली सरसों का तेल। ये है आपके कटे हुए, छिले हुए, पूरी तरह से ग्रेट किए हुए आलू, अच्छे से महीन ग्रेट करना है इनको, मोटा मोटा नहीं रहना चाहिए। 1 चम्मच नमक, और ये डाला आपने 2 चम्मच चाट मसाला, और ये 1 चम्मच गरम मसाला, कटे हुए प्याज, बारीक बारीक कटे हुए हैं ये, और कटा हुआ हरी मिर्च, ये भी बारीक बारीक कटा हुआ है बिल्कुल, और इसके बाद ढेर सारा हरा धनिया बारीक बारीक कटा हुआ। ये हरा धनिया ही इसके टेस्ट को बनाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इस हरे धनिए से। सब कुछ आपने अच्छे से मिला लेना है। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, इसमें लाल मिर्च या पीली मिर्च भी यूज नहीं की गई है, बिल्कुल भी यूज नहीं है, इसका पूरा टेस्ट हरी मिर्च से ही बनना है। इसलिए आपसे कहा कि हरी मिर्च लें, देसी वाली हरी मिर्च, जो पतली पतली सी होती है, चुड़ी मुड़ी सी होती है, देखने में सुंदर नहीं होती, और जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी सुंदर सुंदर चिकनी चिकनी चमकदार मिर्ची होती है हाइब्रिड, वो आपको मिर्च नहीं लेनी। उनमें हल्का सा बिटर टेस्ट होता है, हल्का सा कड़वाहट होती है, और चरचरापन उसमें कम होता है। देसी मिर्च आपको लेनी है, और सब कुछ आपने बढ़िया से मिक्सअप कर लिया है प्रॉपरली। देखिए यहाँ प्याज भी, हरा धनिया भी, और मिर्च भी बिल्कुल बारीक बारीक कटी हुई है, पतली पतली कटी हुई है, ताकि ये पराठे से बाहर ना निकले। आटे की लोई लीजिए, हम आटा यूज करते हैं मल्टीग्रेन आटा। मल्टीग्रेन आटे में हमारे 10 किलो गेहूं के साथ 2 किलो मक्का होती है, 2 किलो चना होता है, 2 किलो बाजरा होता है गर्मी के दिनों में, और 1 किलो सोयाबीन होता है। थोड़ा सा ये आटा कोर्स हम पिसवाते हैं, मोटा मोटा दरदरा आटा पिसा हुआ होता है, इसलिए इसके पराठे बहुत ही कुरकुरे बनते हैं, लेकिन वो फट जाते हैं, किनारे थोड़े फटे फटे होते हैं। कोई बात नहीं, टेस्ट भी अच्छा है और हेल्थ के लिए तो अच्छे हैं ही, थोड़ा सा देखने में अच्छे नहीं होते, कोई बात नहीं, खा लेते हैं हम। ये देखिए लोई में पूरी तरह से भरा मसाला, और ढेर सारा मसाला भरना है दोस्तों, हल्का फुल्का नहीं भरना है। 2 पेड़े का पराठा ना बनाए, एक ही पेड़े का पराठा बनाए तभी अच्छा रहता है। पराठे के किनारे तक पूरा मसाला आपका पहुंच जाएगा, 2 पेड़े के पराठे में किनारे खाली रह जाते हैं। और ये देखिए ये बनाते बनाते ही मसाला इसके ऊपर आने लगा है। दोस्तों भरवा पराठा बनाने में हमेशा ध्यान रखिए, पराठे की परत, आटे की परत बिल्कुल पतली होनी चाहिए, तभी वो कुरकुरा बनता है, करारा बनता है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फटा फटा सा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, देखने में ये और खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए जो मसाला है ये आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा सरफेस पर आ गया, और ये जो आलू प्याज
हरा धनिया सरफेस पर आ गया, ये इसके टेस्ट को और यूनिक बना देता है। ये तेल में भुनकर एकदम कुरकुरा हो जाता है, जो सरफेस पर हल्का सा आलू आ गया या आपकी हरी मिर्च आ गई है, ये भुन करके और भी बढ़िया टेस्ट देती है। आपने बिना तेल लगाए ही आपको पराठे को डालना है तवे पर, जब तक ये एक साइड से होता है तब तक अगले पराठे की तैयारी। ये आपने आटे की लोई बनाई पूरी तरह से, आप देख रहे हैं हम बड़े 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 पराठे बनाते हैं, और काफी सारा आटा लिया हुआ है, इस लोई को फैला लिया आराम से। अभी तवे पर पड़ा हुआ आटा और पराठा धीरे धीरे सिक रहा है, धीरे धीरे चल रहा है वो, तब जब तक दूसरा पेड़ा तैयार हो। पहला वाला पराठा काफी सिक चुकेगा। ये देखिए ढेर सारा मसाला भरना है आपको, ढेर सारे मटेरियल इसमें भरना है, तभी ये मजा आता है। आप देख ही रहे हैं कि पेड़े को बंद करना भी थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, कोई बात नहीं, हो जाएगा। और ये पेड़ा आपने पूरा बना लिया, पेड़ा दोनों तरफ से अच्छे से बंद कर देना है इसको। सिंगल पेड़े में बनाए हुए पराठे की यही खूबी है कि वहाँ मसाला बिल्कुल किनारे तक पहुँचता है। एक साइड सिक चुकी है, हल्की हल्की सिक चुकी है, देखिए कुछ कुछ मसाला सरफेस पर आ गया है, बाहर दिखाई दे रहा है। और यही मसाला जब तेल के अंदर सिक जाएगा, भुन जाएगा, तब बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा। कुछ आलू, कुछ प्याज, कुछ धनिया, कुछ मिर्च, ये हल्की हल्की सी सरफेस पर आ गई है, और यही इस पराठे के टेस्ट को यूनिक बनाती है। बढ़िया सा तेल इसके ऊपर लगाना है, कोई भी कुकिंग ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। हम यूज़ करते हैं हमेशा पीली सरसों का तेल, बिल्कुल वर्जिन स्टेट में, बिल्कुल अनप्रोसेस्ड तेल होता है, सीधे सीधे कोहलू पे से निकला हुआ। दोनों साइड से अच्छे से तेल इसको लगाना है बढ़िया सा, और धीमे आंच पर सेकना है, बिल्कुल धीमे आंच पर सेकना है। तेज आंच पर पराठा बन जाता है, लेकिन अंदर से इंग्रेडिएंट कच्चे रह जाते हैं। दोस्तों आप हमेशा देखते होंगे हमारे इस चैनल पर आपको झटपट बनने वाली रेसिपी नहीं मिलती। जिस रेसिपी को बनाने के लिए आपको टाइम चाहिए, वो टाइम देना ही पड़ेगा। टाइम एंड हीट कंटेंट, हीट आर द वाइटल पार्ट ऑफ वाइटल इंग्रेडिएंट ऑफ योर रेसिपी, इन्हें रिड्यूस नहीं किया जा सकता। एक पराठा सीखने में जितना टाइम लगना है, उतना टाइम आपको देना ही होगा, तभी इसमें टेस्ट भी डेवलप होगा। आप तेज आंच पर झटपट पराठा बनाएंगे, या तो वो जल जाएगा, और जल जाएगा न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स जल जाएंगे तो टेस्ट भी खत्म हो जाएगा, या आप उसे कच्चा खाएंगे, कच्चा खाएंगे तो पेट खराब होगा। ये देखिए धीरे धीरे भुनना है इसको, धीरे धीरे सेकना है, थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है, लेकिन ये न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रखता है। हल्की आंच पर पका हुए खाने में न्यूट्रिएंट्स मेंटेन रहते हैं, और जब न्यूट्रिएंट्स हैं बने हुए तब टेस्ट बना रहता है। झटपट पराठा नहीं बनेगा, धीरे धीरे आराम आराम से सेकना है इसको, मीडियम आंच पर सेकना है, तेज आंच पर नहीं सेकना है। अगला पराठा तैयार हो रहा है, ये देखिए इसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स, कुछ मसाला सरफेस पर आ गया। ये सरफेस पर आया हुआ मसाला ही जब भुनता है तेल के साथ, तब एक बहुत बढ़िया कुरकुरापन, एक बहुत बढ़िया टेस्ट देता है। और आप देख ही रहे हैं कि बेलते बेलते पराठे की लेयर, जो आटे की लेयर है, वो बिल्कुल पापड़ जैसी पतली हो जाती है। जितनी पतली आटे की लेयर रहेगी, उतना ही टेस्टी रहेगा, उतना ही बढ़िया सिकेगा ये। मोटी लेयर आटे की नहीं होनी चाहिए कभी भी। थोड़ा सा और तेल हमें लगाना है, कम रह गया पहली बार का लगा हुआ तेल, क्योंकि हमारा आटा मोटा होता है, दरदरा पिसा हुआ है, इसलिए ये ऑयल भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। ये क्या सिका है, सुनहरा सुनहरा, हल्की हल्की सी इसकी ऊपर चित्तियाँ, और कहीं आलू झांकता हुआ, कहीं प्याज बाहर निकलती हुई, और कहीं हरी मिर्च बाहर निकलती हुई। ये बाहर निकली हुई मिर्च प्याज है, ये सिकने के बाद बहुत ही बढ़िया टेस्ट देती है। लीजिए पराठा आपका एकदम रेडी है, और देखिएगा इसके किनारे तक पूरा मसाला पहुंचा हुआ है, बिल्कुल आखिरी किनारे तक भी मसाला इसका पहुंचा हुआ, कहीं भी ये बिना मसाले का नहीं है, आखिर किनारे तक, लास्ट तक पूरा मसाला पहुंचा हुआ है। और आप देख रहे हैं इसे खोलने पर, इसकी लेयर, आटे की लेयर बिल्कुल पापड़ जितनी पतली हो गई है। यही इस पराठे की यूनिकनेस है, यही इस पराठे का टेस्ट है,
बिल्कुल पतली, पापड़ के जैसी पतली और पापड़ के जैसी ही करारी लेयर हो जाती है आटे की, और उसके अंदर मसाला पूरी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से सिका हुआ, पका हुआ। ये देखिए कुछ तो प्याज सरफेस पर आ गई, ये भुन करके सुनहरी हो जाती है, कुछ आलू जो ऊपर आ गया ये भुन करके सुनहरा हो जाता है, और यही टेस्ट देता है। ये अगला पराठा तवे पर जाने के लिए तैयार। ये तवे पर गया और अब इसको भी ऐसे ही आपने भून लेना है। मेरा मन कर रहा है कि कैमरा छोड़ दूं और अभी इसको खाना शुरू कर दूं। कोई बात नहीं, एक पराठे का और इंतजार कर लेता हूं। ये देखिए बहुत तेज आंच आपको नहीं रखनी है। शुरू में जब आप पराठा डालें तब हाई फ्लेम पर रखें, लेकिन एक पराठे पराठे की एक लेयर सिकते ही फ्लेम को मीडियम पर ले आए, लो या मीडियम पर ले आए, ताकि पराठा भुनने में काफी टाइम लगे। जितना टाइम ज्यादा लगेगा कम फ्लेम पर लो हीट पर आप सेकेंगे, करारा भी बनेगा और इसके न्यूट्रिएंट्स भी मेंटेन रहेंगे। ये देखिए फ्लेम को लो कर दिया, अब ये धीरे धीरे पराठा यहाँ सिकता रहेगा। हमेशा तेज आंच पर बने हुए चीजें टेस्ट में बढ़िया नहीं होती हैं, क्योंकि उसके न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स ही जल जाएंगे टेस्ट कहाँ रह जाएगा, ना टेस्ट रह जाएगा ना उसमें हेल्थ रह जाएगी। और ये पराठा हेल्दी भी है, टेस्टी भी है। ये अगले पराठे की तैयारी। जब तक एक पराठा सिकता है मैं बिल्कुल बेताब हो रहा हूं इसे खाने के लिए। काश YouTube वाले खुशबू भी आप तक पहुंचा पाते, सरसों के तेल की भीनी भीनी खुशबू और आलू के प्याज के सिकने की भीनी भीनी खुशबू इस समय बेचैन किए दे रही है। जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर खुशबू कह रही है, आओ और पराठा खा जाओ। ये देखिए पराठा पूरी तरह से सिक रहा है, हल्का हल्का सा सुनहरा, हल्की हल्की सी इसके ऊपर चित्तियां। दूसरा पराठा है और मैं इसके बाद रुकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूं। ये देखिए आलू जो सरफेस पर आ गया सिक जाता है, जो जो हरी मिर्च आई है ये सिक जाती है, प्याज सिक जाती है, और यही इसको बढ़िया टेस्ट दे देती है। लीजिए दूसरा पराठा तैयार है और अब मैं चला ऊपर छत पर बैठकर धूप में खाने के लिए। और ये एक और तरह के पराठे हैं दोस्तों, ये पराठे हैं बेसन वाले। ये बची हुई रोटी के पराठे हैं। आपके घर में जो रोटी बच जाती है वो अगले दिन एक बहुत बढ़िया नाश्ते के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं आप इसे। ये है पराठे बेसन वाले, रोटी के पराठे बेसन वाले। दोस्तों ये भी एक और पराठा है, ये रोटी का ही पराठा है लेकिन ये बिल्कुल सादा पराठा है। बची हुई रोटियों को काम में लाने का बहुत अच्छा तरीका है, बड़ा कुरकुरा होता है और बच्चे भी बड़े भी सब इसे बहुत शौक से खाते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना, सिंपली आपको रोटी को सेक देना है। और ये देखिए ये एक और बहुत ही बढ़िया नाश्ता है दोस्तों। आपको इस चैनल पर बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी जो बिल्कुल आप डेली यूज में बना सकते हैं, बिल्कुल डे टू डे लाइफ में बनने वाली। ये है ब्रेड की आमलेट, ये ब्रेड भी है ये आमलेट भी है। रेसिपी आपको चैनल पर अवेलेबल है। और ये देखिए ये भी एक ब्रेड का ही डिश है लेकिन ये एग के साथ में स्वीट डिश बनी हुई है। बहुत 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 टेस्टी डिश होती है ये, देसी घी में बनती है, ऊपर से हल्की हल्की कुरकुरी सुनहरी और अंदर से बिल्कुल मक्खन मक्खन की तरह मुलायम होता है ये ब्रेड पीस। ये मीठी ब्रेड है एग के साथ। और दोस्तों ये सादे पराठे के साथ और सादी पूरी के साथ में खाने के लिए बहुत ही टेस्टी डिश है अचारी आलू। इसमें आम का अचार यूज किया जाता है इसको बनाते समय। इसकी रेसिपी भी आपके इस चैनल पर अवेलेबल है, वेज वेज प्लेलिस्ट में। और ये देखिए ये बहुत ही बढ़िया स्वीट डिश है, 10 मिनट में बन जाने वाली बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश है। ये है सेवैया, रेशमी रुमाली सेवैया। एक एक सेवैया खिली हुई, एक एक सेवैया पूरी तरह से सॉफ्ट गली हुई, बहुत आसान डिश है। इसकी रेसिपी भी आपको अपने चैनल पर मिल जाएगी। और ये दोस्तों ये भी बची हुई रोटी को काम में लाने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। ये है रोटी का हलवा। आप सुबह नाश्ते में शाम की चाय के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। रोटी का हलवा बहुत आसान है बनाना। और ये देखिए दोस्तों ये भी है सूजी का हलवा, लेकिन ये सूजी का नॉर्मल हलवा नहीं है, ये सूजी का शाही हलवा है। देखने में लगता है जैसे बिल्कुल सफेद सूजी है, कच्ची सूजी है, लेकिन ये कच्ची नहीं है। इसकी रेसिपी, इसकी प्रिपरेशन डिफरेंट है, एक बार जरूर बनाइए, सभी को पसंद आएगा ये। और ये सूजी की एक और बहुत ही बढ़िया डिश है ये भी सूजी का हलवा है लेकिन ये ड्राई है, इसे आप कुछ दिन के लिए रख भी सकते हैं।
बहुत ही खूबसूरत होता है देखने में, और जितना देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में टेस्टी भी है ये। दोस्तों बनाते रहिए, प्यार बांटते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। शुक्रिया।